जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो घटनाएं हैं पिछले कुछ समय में पाकिस्तान की तरफ से काफी बढ़ी हैं, कितनी मुस्तैद है हमारी बीएसएफ इनसे निपटने के लिए और किस तरह का आप ट्रेंड देख रहे हैं इसमें? मैं आपको एक बात बड़े कॉन्फिडेंस और दावे के साथ बताना चाहता हूं कि बीएसएफ एक बहुत ही ट्रेंड और प्रोफेशनल फोर्स है और पूरे साल 24 घंटे हमारे बहादुर जवान और ऑफिसर्स सीमा की रक्षा करते हैं और चाहे किसी भी तरह का मौसम हो, किसी भी तरह का टेरेन हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, अपनी ड्यूटी में किसी तरह की कमी नहीं आने देते हैं। जहाँ तक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की घटना है, इस मौसम में, इस सीजन में इस तरह की घटनाएं आम होती हैं, पहले भी हुई हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इस बार भी पिछले करीब एक महीने से इस तरह की घटनाएं चल रही हैं। कैजुअल्टी कितनी हमारे जवानों की हुई है इस पूरी पिछले कुछ दिनों की बात करें, पिछले एक महीने की बात करें तो कितनी? पिछले एक महीने में हमारे तरफ से बीएसएफ की एक कैजुअल्टी हुई है और 3 जवान इंजर्ड हुए हैं और 3 सिविलियन इंजर्ड हुए हैं। आपने कहा कि इस साल के इस समय में जो घटनाएं इस तरह की बढ़ती हैं, क्या कारण देखते हैं? क्या घुसपैठ की कोशिशें एक कारण हो सकती हैं? हाँ, वो भी एक कारण होता है क्योंकि इसमें बर्फ पिघल जाती है, रास्ते खुल जाते हैं तो घुसपैठ करना आसान होता है। ऐसा नहीं कि जब बर्फ ज्यादा होने पर घुसपैठ की कोशिश नहीं होती है, तब भी कोशिश होती है, लेकिन इस मौसम में घुसपैठ करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि ठंड कम होती है, बर्फ नहीं होती है और रास्ते खुल जाते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं इसी साल आखिरी में, आपको लगता है कि ये एक पॉसिबल कारण हो सकता है इस तरह की घटनाओं का? और उसके लिए खासतौर पे बीएसएफ कितनी तैयार है, क्योंकि आने वाले में बहुत सारी जिम्मेदारी आपको भी दी जाने वाली है, तो कितनी तैयार हैं हम इसको लेकर? मैंने आपको पहले ही कहा कि बीएसएफ हमेशा ही हर तरह से अपनी ड्यूटी करने को तैयार रहती है। जब इलेक्शन हमारी ड्यूटी होगी तो वहाँ भी हम जाएंगे। जी।